रेलवे की विंडो रिजर्वेशन के लिए अब आपको लंबी लंबी लाइनों में लगने की जरूरत नहीं है क्योंकि खंडवा के केवलराम पर स्थित सकलेचा स्टेशनरी के सामने खंडवा रेलवे रिजर्वेशन सेंटर खुला है यहां पर आकर आप विंडो रिजर्वेशन की सेवाएं ले सकते हैं अधिक जानकारी के लिए दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं और मौके पर जाकर दुकान पर जाकर टिकट भी बनवा सकते हैं मध्य प्रदेश के खंडवा में कोरोना केसेस बढ़ने का आंकड़ा घटने का नाम ही नहीं ले रहा है आज भी एक मरीजों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है बीच में कभी कभी आंकड़े कम आ जाते हैं लेकिन आज अचानक फिर आंकड़ा सौ के पार आया है कल भी आंकड़ा सौ से अधिक था आज एक मरीजों की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई है जिसमें बरोड बलवाड़ा इंदौर नाका मथेला घासपुरा दीनदयालपुरम दादाजी वार्ड सिविल लाइन बेनीपुरा मथनी संजय संजयनगर डोडखेड़ा शिवपुरम गोराड़िया लछोरा खुर्द गोल जोशी गुरुनानक वार्ड सिंगार तलई कृष्णकुंज कॉलोनी के अलावा ग्रामीण क्षेत्र में भी लगातार कोरोना के केसेस बढ़ते जा रहे हैं सर्दी खांसी बुखार जुकाम काफ़ी संख्या में काफ़ी मात्रा में ग्रामीण क्षेत्रों में फैला हुआ है आपको बता दें इसके अलावा गुर्जर हॉस्पिटल के पास कल्लनगंज पड़ावा शनि मंदिर के पास टपाल चाल नागचून घासपुरा सिंधी कॉलोनी सिया चौक मौजवाड़ी छोट टी बोरगांव माता चौक कावेरी विहार आनंद नगर मेडिकल कॉलेज परिसर अमलपुरा काकरिया टाकली कला सतवाड़ा फ्रेंड्स कॉलोनी जेल रोड हनुमान मंदिर अजंटी पदमनगर नवचंडी थापना डोंगरगाँव में अकेले आज 27 पॉजिटिव आए हैं गांव का आंकड़ा एकदम बहुत ज़्यादा निकल के आ रहा है किसी किसी गांव में तो आंकड़ा अचानक पहली बार में बीस पंद्रह पच्चीस तीस निकल कर आ रहा है ऐसे में इससे प्रतीत होता है कि ग्रामीण क्षेत्रों में भी काफ़ी कोरोना के केसेस बढ़ रहे हैं और ग्रामीण क्षेत्रों में कोरोना तेज़ी से फैल रहा है इसलिए शहर हो अथवा गांव हो इस समय विशेष ध्यान देने की ज़रूरत है मौसम भी बार बार बदल रहा है कभी बहुत ज़्यादा ठंड हो रही है कभी गर्मी हो जाती है ऐसे में जब मौसम बदलता है तो सर्दी खांसी जुकाम बुखार ये बड़ी कॉमन चीज़ है हो जाती है इसे वायरल कहते हैं और वायरल काफ़ी साल में दो बार फैलता ही है जब भी मौसम बदलता है ऐसी परिस्थिति में जो कोरोना के लक्षण हैं वो भी इनसे मिलते जुलते ही हैं लेकिन किसी किसी को अगर ऐसी फीलिंग आती है कि उसे कोरोना महसूस हो रहा है तो उसे सैंपल दे देना चाहिए इसमें कोई बुराई नहीं है और जिस तरीके से कोरोना फैल रहा है ऐसे समय में आप अपना और अपने परिवार का ध्यान जरूर रखें इतने केस बढ़ने के बीच में अच्छी बात यह है कि आज अट्ठासी लोग ठीक भी हो गए हैं तीन लोग हालांकि अस्पताल भर्ती हैं लेकिन चिंता की बात यह है कि ज़िले में अभी भी आंकड़ा 500 से अधिक बना हुआ है और ये लगातार मेंटेन हो रहा है कभी 200 केस आ जाते हैं 100 ठीक होते हैं कभी 80 केस नए आते हैं तो डेढ़ सौ ठीक हो जाते हैं इस तरीके से कहानी चल रही है कुल मिलाकर स्थिति यह है कि अभी भी कोरोना खंडवा में है और फैल रहा है तो ऐसी स्थिति में आप अपना जरूर ध्यान रखें मास्क पहनें हो सके तो भीड़ भाड़ में जाने से बचें जरूरी हो तो अपना ध्यान रखकर भीड़ में जाएं